हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज। हम कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसके हम फर्स्ट 4 चैप्टर कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टडी विमेन चेंज द वर्ल्ड। यूनिट 3 का जो आपके यूनिट 3 जो है, दैट इज अबाउट जेंडर। इसका पहला चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स हम कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि सेक्स और जेंडर का बेसिक डिफरेंस क्या है। जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, आई एडवाइज यू कि पहले आप जाके वो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो लेक्चर को देखें, क्योंकि पहले आपको बेसिक डिफरेंस यू शुड नो, ठीक है, कि किस बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है हो रही है, या अपॉर्चुनिटीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो डिफरेंस है वो किस बेस पे हो रहा है, ठीक है। तो सेक्स और जेंडर का बेसिक डिफरेंस हमने जाना कि एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है और एक सोशियोलॉजिकल, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। आज हम जानेंगे कि विमेन ने अपने आप को बराबरी पे लाने के लिए और किस तरह से स्ट्रगल की है, किस तरह से उसने संघर्ष किया है, और किस तरह से सोसाइटी को चेंज किया है, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज किया। आप देखेंगे कि एक वो समय था जहां पे विमेन जो थी सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड थी घरों तक, घरों से भी आप कहें तो रसोई घर तक, किचन तक। आज आप देखें तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई इकोनॉमी का पोर्शन नहीं है जहां पे विमेन काम नहीं कर रही, और विमेन जहां पर काम ही नहीं, सिर्फ उसे और ज्यादा आगे तक नहीं लेके जा रही। टफ से टफ काम हो, एवरेस्ट तक जाने का, या फिर स्पेस पे जाने का, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, साइंस और टेक से रिलेटेड हो, कोई भी स्ट्रीम आप देखें, हर एक जगह पर देयर आर विमेन्स। लेकिन यहां तक आने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। अगर आप एंशियंट भारत को पढ़ें, हिस्ट्री की तरफ जाना जाएं और उन्हें पढ़ें, तो आप देखेंगे कि विमेन्स को कुछ भी, उन्हें पढ़ाई तक अलाउड नहीं थी, उनको अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ना भी अलाउड नहीं थे। जनरली ये माना जाता था कि अगर औरतें पढ़ लेंगी तो उनका सोचने विचारने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और ये सोसाइटी के मेल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगी, घर के लिए प्रॉब्लमैटिक होगी, वो घर में नहीं रहेगी। ये एक माइंडसेट था, सोसाइटी का सोच थी ऐसी। इसकी एक स्टोरीज भी इस चैप्टर में मेंशन है कुछ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रगल के थ्रू किस तरह से विमेन ने वर्ल्ड का माइंडसेट चेंज कर दिया है कि आज विमेन बाहर जाके काम कर रही हैं, और उनका काउंटर पार्ट उनकी हेल्प भी कर रहा है, उन्हें सपोर्ट भी कर रहा है, और हर वो काम जो पहले डिवाइड किया जाता था ऑन द बेस ऑफ जेंडर, कि खाना जो है वो सिर्फ लड़कियां बनाती है, लड़के नहीं बना सकते, अब या नर्स का काम जो है वो सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, आज वो क्राइटेरिया नहीं है। वर्ल्ड में बहुत अच्छे नर्स हैं जो कि मेल हैं। तो अब ये जो इमोशंस थे, पोलाइटनेस का, जेंटल का, पेशेंस का, वो जेंडर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया है। तो किस तरह से विमेन्स ने इसे चेंज किया है, उसी बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है ये पॉलिटी से तो है ये, क्योंकि राइट्स की बात होती है, इगैलिटेरियन राइट्स की बात होती है, बट सोसाइटी का जो पोर्शन है आपका GS1 का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोसाइटी में भी विमेन एम्पावरमेंट की टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो सबसे पहले यहां पे बात की गई है कि जब भी विमेन्स की बात की जाती है तो विमेन्स को कुछ, जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन। है ना, विमेन्स को उनके कुछ क्वालिटीज के बेसिस पे कुछ कामों तक ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, कि कुछ ही काम हैं जो वो अच्छे से कर सकती हैं। किन किन बेसिस पे? क्योंकि विमेन जेंटल होती हैं, उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा है ना, पेशेंस है, पोलाइट हैं, तो ये सब जो इनके फीचर्स हैं या क्वालिटीज आप कहें, इन क्वालिटीज की वजह से दे कैन वर्क एज अ गुड केयर टेकर। घर का ध्यान रखना, मरीजों का, बच्चों का, वो सब जो क्राइटेरियाज हैं या वो सब जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पे इनको रेस्ट्रिक्टेड कर दिए गए। जैसे पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, नर्सेज हो गया, क्रचेस फैसिलिटीज हो गई, प्राइमरी स्कूल हो गए, यहाँ पे विमेन्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया इन कामों में।
वहीं पर ये कहा गया कि जहां पे टेक्नोलॉजी यूज होती है, विमेन्स आर नॉट गुड एट टेक्नोलॉजीज, ये माना गया। तो जहां पे भी साइंस और टेक यूज हो रहा है, जहां पे भी टेक्नोलॉजी का काम है, उन सेक्टर्स में विमेन नहीं जा सकती, दे आर नॉट कैपेबल टू गो देयर। जहां पे भी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, सो जहां पे भी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, दे कैन नॉट बी गो देयर। तो इन एरियाज में जहां पे इन क्वालिटीज की जरूरत है, वहां पे वो काम कर सकती हैं, और जहां इन क्वालिटीज की जरूरत है, वो वहां काम नहीं कर सकती। इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा जो 27 इयर्स ओल्ड थी, जो झारखंड की एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत हार्डशिप देखे, क्योंकि बहुत पुअर फैमिली से वो बिलोंग करती थी, और स्कूल के टाइम पे भी उनको बहुत ऑड जॉब्स करनी पड़ती थी ताकि जो घर में कुछ पैसा आ सके, राशन आ सके। लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया, और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो रेलवे बोर्ड के एग्जाम में बैठी और उसे क्लियर कर लिया, एंड शी बिकेम द फर्स्ट विमेन टू ड्राइव द रेलवे इंजन ड्राइवर, ठीक है। सो लक्ष्मी लाकरा की ये जो एग्जाम्पल है, ये बताती है कि किस तरह से जल्दी कहा जाता है कि ये जो ट्रेन चलाने हैं, ऑटो रिक्शा चलाने हैं, बसेस चलानी हैं, ये काम, या बसेस जो बहुत टफ टेरेन पे चलानी है, वो विमेन्स नहीं कर सकती। और उन्होंने ये प्रूव किया, वो कहती भी हैं इसमें, उन्होंने मेंशन भी किया, शी सेड दैट कि जब भी उन्हें ये कहा जाता है कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, वो काम जरूर करती हैं। उन्हें वो काम करने के लिए एक अलग सी जो आप है पुश है, वो मिलता है कि वो काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाती हैं। तो वो बनी फर्स्ट इंजन फीमेल इंजन ड्राइवर एट द एज ऑफ 27 इयर्स, और वो कहती है कि वो आगे भी इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उन्हें लेती रहेंगी, और ये प्रूव करती रहेंगी कि विमेन कैन डू एनीथिंग। अब लास्ट चैप्टर में जैसे हम पढ़ रहे थे कि मेल और फीमेल के लिए प्रस्पेक्टिव कैसा है, हमने फोकस किया था जनरली फीमेल्स पे, अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो स्टीरियोटाइप्स है, ये सोसाइटी का जो माइंडसेट है, वो खाली फीमेल को ही प्रेशराइज नहीं करता, वो मेल के लिए भी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज है। जैसे फीमेल के लिए सेट कर दिया गया है कि जेंटल पोलाइट है, नर्सिस का काम करेंगे, क्रचेस में करेंगे, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं जाएंगे, साइंस एंड टेक नहीं जाएंगे, उसी तरह मेल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मैथ्स या साइंस, टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब जो चीजें हैं इसमें अच्छे से काम करें, अच्छे से फ्लरिश करें। अगर कोई ऐसा मेल है, ऐसा कोई बच्चा है, ऐसा कोई बॉय है जो जिसका इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ही लव्स आर्ट्स, वो आर्ट्स लेना चाहता है, उसे डांसिंग में इंटरेस्ट है या म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हमारे बहुत से कल्चरल डांस हैं उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उसे ये कहा जाएगा कि नहीं, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ये काम नहीं करना है आपको, अपने जेंडर के हिसाब से जो सोसाइटी ने सेट किया आपको यही करना है, आप नर्स नहीं बन सकते। अगर उसे केयर टेक करना अच्छा लगता है, ही वॉन्टेड टू बी अ नर्स, ही वॉन्टेड टू बी अ कुक, ही वॉन्टेड टू बी अ ही वॉन्टेड टू वर्क इन अ प्राइमरी स्कूल एज अ प्राइमरी टीचर, छोटे बच्चों की देखरेख करने के लिए, वहां पे उन्हें पढ़ाने के लिए, तो सोसाइटी पहले ही कहेगी कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू, आप ये नहीं कर सकते, उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा वो काम करने के लिए जो वो करना नहीं चाहते या उन्हें करना अच्छा नहीं लगता, और दे फील दे आर नॉट गुड एट इट। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी के, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी हैं। जल्दी आपने सुना भी होगा, वो एड भी देखी होगी जो डोमेस्टिक वायलेंस पे बनाई थी, जिसपे ये कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, ये जल्दी उनकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है बचपन से ही कि लड़के रोते नहीं हैं। और भाई रोना जेंडर के साथ कैसे कनेक्ट हो गया, रोना तो एक इमोशन है, उसे उस इमोशन के थ्रू आप अपने अंदर के भावनाओं को व्यक्त करते हैं, एंड यू फील लाइट, किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, व्हेन यू क्राई यू फील लाइट, ये एक वे है बॉडी को नॉर्मलाइज करने का। सो इसे जेंडर से किस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, क्या फीमेल है तो यू कैन क्राई, एंड इफ यू आर अ मेल यू कैन नॉट क्राई। इसीलिए आप देखेंगे कि जो
मेल है वो क्यों, वो रो नहीं सकते, वो अपने इमोशंस दिखा नहीं सकते, तो इसलिए नर्वस ब्रेकडाउन भी ज्यादा होता है, क्योंकि सोसाइटी ने वो बताया। जनली तो नहीं है, साइंटिफिकली तो नहीं है, बायोलॉजिकली तो नहीं है, बायोलॉजिकली तो ये कहीं मेंशन नहीं है कि नहीं उनके डिफरेंट हार्मोन्स है तो वो रो नहीं सकते। नो, दिस इज द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यू कैन से। ठीक है, सो यहीं पर एग्जाम्पल एक बच्चे की भी दी हुई है जहां पे उसकी फैमिली उसे प्रेशराइज करती है आर्ट्स पढ़ने के लिए। ठीक है, सो दैट वॉज द स्टीरियोटाइप्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फीमेल्स बट टू मेल्स ऑल्सो। नेक्स्ट, यहां पर एक एग्जाम्पल जो है रामा भाई की भी दी गई है, द रामा भाई जिन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। ठीक है, वो कभी भी अपनी जो मैटरनल फैमिली थी, अपना जो घर था, वहां पे वो कभी भी पढ़ लिख नहीं पाई। ठीक है, बट लेटर ऑन उन्होंने वो पढ़ना लिखना सीखा एंड संस्कृत पढ़ना लिखा, और इसीलिए उनके नाम के साथ पंडिता यूज किया जाता है। ठीक है, और उन्होंने विमेन्स की पढ़ाई के लिए भी काफी काम किया, उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया पुणे में जहां पे वो विधवा औरतों को और विडोज को जो है विमेन्स को और गरीब औरतों को एनकरेज करती थी पढ़ने के लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, कुछ स्किल सीख सके और इंडिपेंडेंट हो सके। उन्हें स्किल सिखाई जाती थी, पढ़ाई सिखाई जाती थी, अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने खोली जिसपे उन्हें वो एक्टिविटी सिखाती थी और जिसके थ्रू वो उन्हें इंडिपेंडेंट बनाती थी। सो दैट इज रामाबाई। ठीक है, जिन्होंने खुद तो पढ़ना सीखा, सो दैट इज अबाउट द स्ट्रगल, अबाउट द विमेन्स हाउ दे चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने खुद तो वो कभी स्कूल नहीं गई थी, बट दे लर्न, दे शी लर्न, और उन्होंने बाकियों को भी प्रेरित किया पढ़ने के लिए और उन्हें स्किल सिखाई और अपने पैरों पे खड़ा कराया। साथ ही यहां पे एक एग्जांपल है रुकैया साखवत हुसैन, रुकैया साखवत हुसैन, जिसे लेडी लैंड कहा जाता है। लेडी लैंड क्या है कि ये जो रुकैया साखवत हुसैन है ये एक रिच फैमिली में बॉर्न हुई थी। ठीक है, अच्छी फैमिली थी, लैंडलॉर्ड्स की फैमिलीज थी, बट वहां पे इनको पढ़ना अलाउड नहीं था। इन्होंने पढ़ना सीखा विद द हेल्प ऑफ हिज एल्डर सिस्टर और एल्डर ब्रदर, उनकी हेल्प से इन्होंने पढ़ना सीखा। लेटर ऑन इन्होंने किताबें लिखी, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था लेडी लैंड, जहां पे इन्होंने अपनी इमेजिनेशन से बताया कि जो औरतें हैं वो कार्स हवा में उड़ा रही हैं। ठीक है, वो उनकी इमेजिनेशन थी उस टाइम पे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है एक ऐसी जगह है जहां पर एक लड़की है अपनी बहन के साथ उस जगह पर जाती है, उस जगह का नाम लेडी लैंड है। वहां पे हर काम जो है औरतें करती हैं, औरतें हवाओं में गाड़ियां उड़ाती हैं, और जो मेल्स हैं उस सोसाइटी के उनको अलग रखा जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है। तो उनकी वो इमेजिनेशन थी और वो इमेजिनेशन आज हम देखते हैं, इट इज अ रियलिटी नाउ। विमेन्स एरोप्लेन्स उड़ाती हैं, चलाती हैं। ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट रुकैया साखवत हुसैन। ओके, एक और है इसमें, दैट इज यस अबाउट द विमेन्स एजुकेशन। पहले एजुकेशन विमेन्स को तो बिल्कुल मना किया जाता था कि वो किसी तरह से भी, दे आर नॉट गुड टू हैव एजुकेशन ऑफ एनी काइंड, उन्हें पढ़ाना गलत है। ये माइंडसेट था कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर औरतें पढ़ जाएंगी उनको उनके सोचने की जो तरीका है वो अलग हो जाएगा और ये फैमिली के लिए नुकसानदेह होगा, ये मर्दों के लिए नुकसानदेह होगा, ये माइंडसेट था। तो विमेन्स को ये नहीं अलाउ किया जाता था। जैसे ही 19th सेंचुरी आई, वर्ल्ड में चेंजेस होने लगे, वर्ल्ड में विमेन्स अपने हकों के लिए लड़ने लगी, तो उसका इम्पैक्ट हमारे देश में भी देखने को मिला। ठीक है, ब्रिटिशर्स का राज था, औरतें ब्रिटिशर्स के साथ, बहुत विमेन्स भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी काम किया टूवर्ड्स द इक्वालिटी, और हमारे देश के जो आप कहें जो भी इंटेलिजेंस ग्रुप के पर्संस थे, जो भी आप कहें मॉडर्न इंटेलिजेंसिया, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ रहे थे, जान रहे थे इक्वालिटी के बारे में, अपनी जो हमारी रूढ़ी धारणाएं थी, पुरानी रूढ़ी धारणाएं जिसमें विमेन्स को अट्रॉसिटीज़ को फेस करना पड़ता था, उन सब के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, जिसमें आप राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट किस तरह से काम किया। तो 19th सेंचुरी के आते आते विमेन्स की राइट्स के बारे में बात होने लगी थी, और हमारे देश में जो औरतें थी वो इन चीज़ों के बारे में जान के वो भी इस जो है इनके विमेन्स की राइट्स के लिए आवाज़ उठाने लगी थी, काम करने लगी थी। ठीक है, सो
स्कूल और एजुकेशन के लिए बहुत सारे 19th सेंचुरी में आप करें तो विद्यासागर हुए हैं, राजा राममोहन राय हुए हैं और बहुत से हमारे स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत से कॉलेजेस खोले फॉर द एजुकेशन ऑफ द विमेन। ठीक है, आज की अगर हम बात करें टुडेज इंडिया की, हमारे देश में लिटरेसी रेट में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक बहुत डिफरेंस है। विमेन्स आर एट द पार टू द मेल्स, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था हायर एजुकेशन में दे आर स्टिल लैगिंग। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स उनके ज़्यादा हैं क्योंकि वही सोसाइटल माइंडसेट है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, इकोनॉमी में उनके स्किल के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। दैट्स वाई डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आर देयर, जो कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मिशन शक्ति का, है ना। मिशन शक्ति के अंडर विमेन्स के लिए बहुत सी स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट लाते हैं ताकि उनकी एजुकेशन के लिए, उनके काम के लिए, उनको स्किल सिखाने के लिए जो है उज्ज्वला स्कीम लाई गई। ठीक है, ताकि एलपीजी कनेक्शन उनको फ्री मिले और जो काम, जो टाइम वो एक्स्ट्रा जो टाइम कुकिंग में लेती थी उससे बचा के वो अपनी स्किल को फ्लरिश कर सके, थोड़ा पॉलिश कर सके और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, सो एसडीजी 4 टॉक्स अबाउट एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4। 5 क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 टॉक्स अबाउट क्वालिटी एजुकेशन जिस पर सबका हक है, सिर्फ मेल का नहीं, एवरी मेल एंड फीमेल हैज राइट ऑन क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ओके, नाउ टुवर्ड्स द विमेन्स मूवमेंट। विमेन्स मूवमेंट क्या हुई, जो औरतों ने प्रोटेस्ट किया, जब काम किया टुवर्ड्स द अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए उन्होंने किस तरह से स्टेप्स उठाए, किस तरह से स्ट्रगल्स की और फाइनली वो उस स्टेप पर, उस जगह पर पहुंच पाई हैं कि आज उनके पास वो सभी राइट्स हैं जो एक मेल के पास हैं। ठीक है, उन्होंने कैंपेनिंग किया, राइट टू वोट भी विमेन्स को, हमारे देश में ही इंडिपेंडेंस से पहले विमेन्स को वोट का हक नहीं था। ठीक है, राइट टू वोट लिया किसके थ्रू, कैंपेन किए, बड़े बड़े कैंपेन किए। अभी भी रिसेंटली आप देखेंगे तो एक बहुत हाईलाइटेड कैंपेन हुआ था मी टू, है ना, मी टू, जिसपे सभी फीमेल्स ने जो भी सेक्सुअल हरासमेंट का कहीं ना कहीं कभी ना कभी शिकार हुई हैं उसके बारे में उन्होंने ओपनली बात की। ठीक है, तो इसी तरह से कैंपेनिंग के थ्रू बहुत से कानूनों को रूप मिला, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो कानून बनाया गया 2005 में, वो भी इसी के जरिए हुआ था। क्योंकि इतने ज्यादा दहेज प्रथा की वजह से इतनी ज्यादा हत्याएं होने लगी थी कि विमेन सड़कों पर आई और उन्होंने ये क्लेम, और उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और फाइनली वी गेट अ लॉ दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस ने अगेंस्ट द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, है ना, और डोमेस्टिक वायलेंस का भी डिफरेंट आया था, दैट वॉज अबाउट 2006 में। ठीक, ओके, नेक्स्ट था, नेक्स्ट देर वॉज अ लॉ अगेंस्ट द सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट जो वर्क प्लेस पे होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की थी 1997 टू प्रोटेक्ट विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो विमेन्स के मूवमेंट के जरिए, कैंपेनिंग के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए फाइनली वेरियस लॉज लाइक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, द लॉ अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, ये सब जो कानून हैं इनको मूल रूप मिला और आज की डेट में जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलती है। सो दैट वॉज अबाउट द चैप्टर, दैट इज हाउ विमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, ये है किस तरह से आप किस तरह से विमेन्स ने अपने मूवमेंट्स को किया। मूवमेंट्स जब भी चलाई जाती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है एक मूवमेंट को चलाने के लिए, सबसे पहले जरूरी होता है लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप के साथ यू नीड सॉलिडैरिटी, यू नीड अवेयरनेस। ये जो तीनों चीजें हैं, लीडरशिप जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू स्टार्ट अ मूवमेंट, जैसे आप रिसेंट मूवमेंट में ले जो कि लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे जी ने की थी,
तो उसमें जो लीडरशिप प्रोवाइड की थी उन्होंने प्रोवाइड की थी, और पूरा देश उनके अगेंस्ट हुआ था, और फाइनली हमें लोकपाल बिल मिला था, लोकपाल एक्ट मिला था अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, सो लीडरशिप चाहिए होती है, साथ में सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी मतलब सभी लोगों का साथ, सभी विमेन। अब जब विमेन मूवमेंट थी तो सारी औरतें साथ में हुई, सिर्फ वही नहीं जो उस पर्टिकुलर वायलेंस का शिकार हैं, कि जब डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लॉ की मांग की गई तो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार औरतें ही नहीं खड़ी हुई, पूरी औरतें साथ खड़ी हुई। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कैंपेनिंग की, लोगों को अवेयर किया कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, एंड देन दे फाइनली गॉट देयर राइट इन देयर हैंड्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ हमारा चैप्टर, हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, दैट इज हाउ वुमेन चेंज द वर्ल्ड। कल मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।